झारखंड में मोदी शाह का नहीं चला दाम, टूट गया 24 साल का रिकॉर्ड, क्योंकि झारखंड में फिर बनने वाली है हेमंत सरकार। 24 साल के अंदर पहली बार कोई पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि झारखंड में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी बीजेपी क्यों फिसड्डी रह गई? ओवर कॉन्फिडेंस या चुनावी रणनीति, आखिर किसके कारण बीजेपी को करारी शिकस्त मिली? चलिए एक एक कर जानने की कोशिश करते हैं। जमीन अधिग्रहण मामले में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, जिसे उन्होंने आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया और घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की कि गरीबों के नेता हेमंत सोरेन को बीजेपी ने साजिश के तहत जेल में डाला, जिसके काउंटर में बीजेपी की कोई खास रणनीति नहीं दिखी और हेमंत सोरेन बहुत हद तक आदिवासी समेत बड़ी आबादी को ये बताने में कामयाब भी हो गए कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है और ये सब बीजेपी की बदले की राजनीति है। अगला कारण आदिवासियों में गुस्सा होना है। अपनी गिरफ्तारी के साथ साथ हेमंत ने ये भी दावा किया कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हेमंत को 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। हेमंत की पार्टी खतियानी और आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी को घेर रही थी। दरअसल इन मुद्दों पर विधानसभा से प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी। ऐसे में हेमंत ने आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया और इसका असर नतीजों में भी दिखा। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में हेमंत ने बंपर जीत हासिल की है। इसके अलावा महिलाएं भी वोट बैंक हो सकती हैं। हेमंत सरकार ने ये भी साबित किया कि जुलाई 2024 में कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने महिला वोट बैंक पर फोकस किया। सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लागू की। इस योजना के तहत हर महिलाओं के बैंक खाते में 1000-1000 रुपए प्रतिमाह डाले गए। बीजेपी इसका काट नहीं खोज पाई। वहीं हेमंत ने पत्नी कल्पना को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। कल्पना ने पूरे चुनाव में करीब 100 रैलियां की। इन रैलियों में महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। झारखंड में बीजेपी के बड़े चेहरे भी फेल नजर आए। बोकारो से कद्दावर नेता बिरंची नारायण, देवघर में नारायण दास, गोड्डा में अमित मंडल और जगन्नाथपुर में मधुकोड़ा की पत्नी कमाल नहीं दिखा पाई। यहां तक कि चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन ने भी पार्टी को निराश किया। ऐसे में बीजेपी के ज्यादातर दांव फेल ही नजर आए। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने जिन सीटों पर बड़े नेताओं को तैनात किया था, वहां पर पार्टी फिसड्डी साबित हो रही है। बड़े नेताओं का सीट न जीत पाना भी बीजेपी के लिए सेटबैक है। झारखंड में शुरू से ही ये चर्चा रही कि बीजेपी की ओर से सीएम फेस कौन होगा, यानी बीजेपी के पास लोकल लेवल पर कोई मजबूत चेहरा नहीं था। और जिन दो चेहरों की चर्चा हो रही थी, यानी बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन, तो ये दोनों दलबदलू चेहरे भी थे। चंपई तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए थे। ऐसे में लोकल लीडरशिप की कमी भी बीजेपी के लिए हार का कारण रही। इन सब के अलावा कोल्हान और कोयलांचल इलाके में बीजेपी की ओर से कुड़मी वोटर्स का छिटकना और आदिवासियों के अलावा झारखंड में मुस्लिम और यादव बाहुल वाली सीट पर कॉम्बिनेशन हेमंत की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद रहा। बहरहाल आपको क्या लगता है, झारखंड में हेमंत की जीत और बीजेपी की करारी शिकस्त के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा, ये हमें कमेंट करके बताएं। और झारखंड चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीपी लाइव।